आप देख रहे हैं राजपथ 24 न्यूज चैनल। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन पर लगाया झाड़ू। सुनवाई न होने की सूरत में प्रदेश सरकार को भी साफ करने का दिया संदेश। नियमितीकरण की मांग को लेकर 12 दिनों से अनवरत चल रही हड़ताल। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर 12 दिनों से हड़ताल पर जुटे हुए हैं। आज 12 दिन भी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने धरना स्थल पर झाड़ू लगाकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि सरकार यदि इनकी मांगों को पर गौर नहीं करती तो अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में सरकार को भी हम साफ कर देंगे। देखिए तरुण सिंह सरकार की ये रिपोर्ट। चेंज करो तो जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। साफ कर देंगे बिल्कुल निश्चित तौर पे ये है और ये सभी का मानना है। जितने भी कर्मचारी धरने पे बैठे हैं